starting with question number 11. In question number 11, we are given factorize 27x cube plus y cube plus z cube. Minus 9xyz. Now you can see in this that we are given 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों आपके क्या बन रहे हैं, परफेक्ट क्यूब्स बन रहे हैं और साथ में ये माइनस नाइन एक्स वाई जेड यानी कि इनका प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, जो x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, z वाली टर्म है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है. इट मींस ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी. तो इसको जो है हमने इस फॉर्म में रीराइट करना है, हमने जो हमें गिवन टर्म है एंड देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो 27x क्यूब को वी विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ होल क्यूब. 27 जो है दैट इज द क्यूब ऑफ 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 3x होल क्यूब. देन y क्यूब प्लस z क्यूब. नेक्स्ट हमारा फॉर्म क्या है, माइनस 3abc. So 9xyz can be written as minus 3 times. This is your A, this is B, and this is C. 3x, then y, and then z. ये हमने A माना, ये B माना, ये C माना. तो A cube plus B cube plus C cube minus 3abc. वहाँ पे मैंने small show किया है, तो I'm just writing the small letter for this. तो A जो है that is 3x, B जो है that is y. C जो है दैट इज z माइनस 3 टाइम्स a b एंड c. तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a b c. अब दिस इज इक्वल टू ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, तो वी विल राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म ओनली. सो दिस इज a प्लस b प्लस c. ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गई a प्लस b प्लस c. a हमारा था यहाँ पे 3x, तो a की जगह आ गया 3x, b की जगह y, c की जगह z. तो दिस इज a प्लस b प्लस c. फर्स्ट ब्रैकेट हो गई. अब सेकंड ब्रैकेट में वो क्या कह रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. a है हमारे पास 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. आगे क्या है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो माइनस a इंटू b, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. तो दिस इज माइनस 3xy माइनस bc यानी कि yz एंड माइनस ca यानी कि 3xz. सो अगेन दिस कैन बी रीरिटन एज 3x प्लस y प्लस z इनटू दिस इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz. तो वी हैव फैक्टराइज दिस, हमें इसको फैक्टराइज करना था. यहाँ से आगे आपने फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ये दो फैक्टर्स इसके बन गए यहाँ पे. फर्स्ट हमें मिला a प्लस b प्लस c से, सेकंड जो है वो हमें मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca से, वेयर a जो था हमारा दैट वाज 3x, b वाज y एंड c वाज z. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन वंस अगेन. आपको यहाँ पे फोर टर्म्स गिवन है, जिसमें से आपकी थ्री टर्म्स जो है वो क्यूब में है और थर्ड टर्म में जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट गिवन है विद पावर वन. तो ये आपका फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. ये आइडेंटिटी आपको पता है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो यहाँ पे हमने इसको पहले रीराइट कर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की फॉर्म में. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. सिंप्लीफाई करके यू हैव फैक्टराइज्ड दिस. नाउ द
12th question. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half of x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. अब ये question आप जो है दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप इसको right hand side लेके कर लो, चाहे आप इसको left hand side लेके कर लो. तो हम इसको right hand side पे, क्योंकि हमारे पास number of terms ज्यादा हैं, तो we will solve it by RHS. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half of x plus y plus z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. So this is the question. अब हमने क्या करना है, आरएचएस लेके हम चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन दिस ब्रैकेट. हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सेम वे में यहाँ पे एंड सेम वे हियर आल्सो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दोगे, दिस इज योर आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. अब अगेन आप क्या करोगे इसमें, अगर तो कोई टर्म्स आपकी कॉमन है तो उनको जो है ऐड कर लो, एंड देन यू विल सिंपलीफाई. हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज टू एक्स स्क्वायर. सेम वे में दिस इज वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स. हमने जो कॉमन टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, उनको ऐड कर लिया, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, टू हर टर्म में हमें मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे और बाहर ये जो अपॉन में टू है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आ गया आपके पास, टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर. ये देखो आपका फॉर्मूला भी बन रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, सभी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओनली दीज थ्री टर्म्स विल बी लेफ्ट. एक्स को पहले हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, देन एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर. ये मैंने एक्स को इसकी सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है. अब प्लस वाई सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल बी हैविंग वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड. जेड एक्स के साथ जब वाई मल्टीप्लाई किया तो मैंने सीक्वेंस वही रखा, एक्स वाई जेड. अब प्लस जेड को इन सब टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल बी हैविंग जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स. ये आपकी सिक्स टर्म्स हो जाएंगी, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
एक्स. अब जो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही है, लेट्स कैंसिल देम. दिस इज योर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर. अब यहाँ पे दिस इज योर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर. दिस इज एक्स जेड स्क्वेयर. पॉजिटिव है एक्स जेड स्क्वेयर, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया. एक्स स्क्वेयर वाई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया. माइनस एक्स वाई जेड वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. तो ये हो गया आपका माइनस थ्री एक्स वाई जेड. इधर से ये एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म है आपकी. देन दिस इज माइनस जेड एक्स स्क्वेयर. अब इसको प्लस जेड एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट करेंगे. ये रहा आपका प्लस जेड एक्स स्क्वेयर. देन द नेक्स्ट टर्म इज वाई क्यूब, दैट वी विल राइट डाउन एज इट इज, क्योंकि क्यूबिक टर्म ओनली एक्स वाई जेड में है आपकी. अब नेक्स्ट टर्म इज वाई जेड स्क्वेयर. वाई जेड स्क्वेयर ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया. देन दिस इज माइनस वाई स्क्वेयर जेड एंड दिस इज प्लस वाई स्क्वेयर जेड. तो ये कैंसिल आउट हो गया. ये टर्म हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये भी हो गई. तो यहाँ पे क्या रह गया आपका जेड क्यूब एंड दिस इज योर LHS. तो RHS हमने लिया, ब्रैकेट्स ओपन की और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके मैम, इट इज क्लियर. यस बच्चे, मैम काइंडली एक्सप्लेन अगेन. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी वर गिवन x, वी वर टू शो दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. अब इस question को solve करने के लिए, क्योंकि मुझे number of terms जो है वो right hand side पे ज़्यादा given थी, तो I have taken the right hand side. You can take the left hand side also. आप उसको लेके भी कर सकते हो. Left hand side में भी जो है आप a plus b plus c whole cube, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc वाला formula जो है वो लगा के कर सकते हो. Reverse हो जाएंगे steps आपके. ये वाला आपका पहले फॉर्मूला है गिवन, इसको आप पहले इस फॉर्म में लिखोगे, यहाँ से आप फिर इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इस फॉर्म में, देन दिस एंड देन आपकी आरएचएस यू विल ऑब्टेन. मैंने उल्टा लिया है, आरएचएस मैंने ली है. आरएचएस को मैंने सिंप्लीफाई किया. दिस इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पे मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तीनों टर्म्स में, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. तीनों टर्म्स में ये फॉर्मूला लगा दिया. उसके बाद ये जो हमारी टर्म थी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ट्वाइस था, ये लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स. टू हर टर्म में था तो मैंने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये चीज रह गई. अब ये जो है इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ये आपका फॉर्मूला है किसका, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का, विच वॉज योर लेफ्ट हैंड साइड. आप चाहो तो उसको ब्रैकेट्स को जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो. लवलीना, इज देयर एनी डाउट बच्चे? अदरवाइज जस्ट लोअर योर हैंड. यस बेटा, ओके फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13 वी आर गिवन, if x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. हमें गिवन है यहाँ पे x plus y plus z अगर 0 होता है तो हमें शो करना है that x cube plus y cube plus z cube जो है that is equal to 3xyz. अब मुझे ये फॉर्मूला पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड. दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये मुझे पता है. अब मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, आई एम गिवन दैट दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. सो रिप्लेसिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये मुझे गिवन है, or you can write down put x plus y plus z is equal to 0. So I will be having x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, ye maine replace kar diya 0 se because this is given to us, 0 into ye second bracket aapki as it is aa jayegi minus xy minus yz minus z x. Now 0 into anything is 0. 0 ko jab aap kisi bhi number se multiply karte ho, जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हो आपकी, ये फुल ब्रैकेट जो है दैट विल बिकम जीरो. सो दिस इज इक्वल टू जीरो. तो मेरे पास क्या रह गया यहाँ पे,
x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0. Now I have to show that sum of these cubes is equal to 3xyz. So is 3xyz ko hum right hand side pe le jayenge. On the left hand side, this is having a negative sign. So on moving it to the right hand side, it will become positive. Aur yahi result jo hai hume show karna tha. We were to show that if x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. So humne kya kiya? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz ka formula use kiya. यहाँ पे x plus y plus z हमें given था, इसको हमने 0 से replace किया. 0 into anything is 0, यानी कि right hand side हमारी convert हो गई 0 में. Left hand side से minus 3xyz we brought to the right hand side, और जो result हमें show करना था वो prove हो जाएगा आपका. If any doubt is there up to this question, question number 11, 12 or 13, you can ask. Otherwise, moving on to question number 14. Question number 14 में we are given, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. अब इनके जो है cubes हमें करके नहीं देखने हैं, हमने just direct result देना है without actually calculating the cubes. मुझे क्या given है first part में? I'm given minus 12 cube plus 7 plus 5 cubes. This is your question number 14, part 1. Now, अब देखो यहाँ पे एक टर्म मेरी नेगेटिव है, बाकी की दोनों टर्म्स मेरी पॉजिटिव हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में आई हैव डन द रिजल्ट दैट इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन इनके जो क्यूब्स होते हैं दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी. हम ये चीज लिखेंगे. अब यहाँ पे मैं अगर ए को लेती हूँ माइनस 12, बी को मैंने लिया 7, C को मैंने लिया 5. Now let us check their sum. A plus B plus C. This is minus 12 plus 7 plus 5. That is equal to 0. So A plus B plus C equal to 0 आ रहा है. It means एक इनके cubes का जो sum है, that will be equal to 3ABC. So this implies that अब मैंने यहाँ पे cubes calculate नहीं किए हैं. मुझे यहाँ इनको ऐड करके पता लग गया कि इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ये वाला जो है रिजल्ट हम होल्ड कर रहे हैं. यहाँ पे आप जो है इसको लिख दोगे, दिस रिजल्ट वी आर यूजिंग दैट इफ द सम ऑफ द क्यूब्स इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज इक्वल टू थ्राइस देयर प्रोडक्ट. सो हियर यू विल गेट योर आंसर इन द नेगेटिव्स. यहाँ पे आप अपना आंसर लिख दोगे नेगेटिव टर्म में, आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज 5 नॉट 3, हियर वी आर हैविंग 5. सो दिस इज 36 इनटू 35, दैट इज 1260. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड दिस, तो आपने उसको चेक करने है उनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. उनका सम जीरो बन रहा होगा तो आपने ये वाला रिजल्ट यूज करना है. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 times माइनस 12 माइनस ए 3 times ए इंटू बी इंटू सी. वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सेकेंड पार्ट यू विल डू इन योर होमवर्क. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. Moving on to next question, question number 15. Give the possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. अब question number 15 में जो ये मुझे expressions given है, जो ये मुझे polynomials given है, these are representing the areas. मुझे क्या बताना है, इनकी जो possible length है या इनकी जो possible breadth है वो बतानी है. देखो figure मुझे क्या given है, rectangle. रेक्टेंगल का एरिया आई नो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इट मींस कि ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसके अगर मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ तो फैक्टर्स जो भी आएंगे, एक फैक्टर जो है हम कह देंगे कि इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
दूसरा फैक्टर जो है वो इसकी ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है दैट इज 25a² - 35a + 12. नाउ मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हम इसकी. सम चाहिए मुझे 35 और प्रोडक्ट चाहिए मुझे 200. सम 35 एंड प्रोडक्ट दिस 12 × 25 दैट इज 300. तो 300 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं. So I'm not giving so much stress on this. Now just tell me what will be the possible factors which will give us sum 35, product automatically 300 aa jayega. Kya kya leke chale isme? Any one of you can raise your hands. Product kyunki positive hai to jo bhi main factors banaungi wo sum banega. अगर मैं इनको लेके चलूं 2 × 2 = 4, 3 = 12 एंड 25 दैट डजंट गिव मी 35. सम मुझे 35 नहीं मिल रहा. अगर मैं ये लेके चलती हूँ 12 और 25 दैट इज नॉट इक्वल टू 35. तो अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं 2, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लेते हैं. 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 एंड दिस 3 × 5 = 15. सम कितना मिल रहा है मुझे इनसे 35. तो इट मीन्स जो फैक्टर्स बनेंगे that will be 35 को जो मैं स्प्लिट करूंगी that will be 20 + 15 और + 12 as it is. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. these two terms and these two terms, first two terms में से 5a we can take as common, so we are left with 5a - 4. यहाँ पे मैंने -3 common लिया, so this is again 5a - 4. So here I am having 5a - 4. दोनों में था यहाँ पे, मैंने यहाँ से इसको अगेन कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 5a - 3. ये टू टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया. गिवन क्या था ये, दिस वॉज रिप्रेजेंटिंग एरिया. तो एरिया जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और वी कैन से ब्रेथ इंटू लेंथ. तो दिस इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू 5a - 4, ब्रेथ is equal to 5a - 3. और वी कैन से इसको मैं ब्रेथ ले लू, इसको मैं लेंथ, दोनों में से किसी भी तरीके से आप ले सकते हो. दोबारा देखो, एरिया आपको गिवन था, हमने क्या किया इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया. यहाँ पे लिख दोगे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है, सो आई हैवंट एक्सप्लेन्ड इट सो डीपली. सो ये हमने मिडल टर्म स्प्लिट की, फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5a - 4 एंड 5a - 3. ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. तो किसी एक को लेंथ ले लो, किसी दूसरे को ब्रेथ ले लो, और आंसर आपका, अगर इसको लेंथ लिया तो ये ब्रेथ आएगी, अगर इसको लेंथ लिया है तो ये ब्रेड खाएगी. सो दिस इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर, दैट इज योर होमवर्क पार्ट. सो दिस यू आर टू डू अगेन योर सेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में वी आर गिवन व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो. अब नीचे मुझे जो है, प्रीवियस क्वेश्चन में आई वॉज गिवन एरिया, और इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम. अगेन हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और क्यूबॉइड है तो इट विल बी हैविंग द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो तीनों चीजें जो है वो हमने इसकी कैलकुलेट करनी है. मेथड इसका बिल्कुल सेम है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, और फैक्टर्स बनाने के बाद एक आपकी लेंथ आ जाएगी, एक आपकी ब्रेथ आ जाएगी, और एक आपकी हाइट आ जाएगी. जिसको मर्जी जो मर्जी आप ले सकते हो, दैट इज अप टू यू. क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, तो वो आपकी मर्जी है किसको आप लेंथ लेते हो, किसको ब्रेथ लेते हो, और किसको हाइट लेते हो. इसका फर्स्ट पार्ट मैं हिंट दे देती हूँ दैट यू विल डू योरसेल्फ. यू आर गिवन 3x² - 12. यस बच्चे,
यस अश्मित मैम, एक बार पिछला क्वेश्चन दोबारा एक बार समझा दोगे? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन वी आर हैविंग 25 ए स्क्वायर। मैम जो भी आपने रेज किया है, दिस वन दिस आई हैव रेज्ड माइनस 35 ए प्लस 12। देखो हमें ये गिवन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। 16th बच्चे इसके बाद करेंगे, ये 15th में दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड पॉसिबल ब्रेथ। पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हमें इसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है, अगर हमने फैक्टराइज करना है तो व्हाट वी आर टू डू फॉर दैट, वी आर टू स्प्लिट द मिडल टर्म। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग कर देंगे मिडल टर्म की। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब आप कर रहे हो तो सम आपको चाहिए, जो भी मिडल टर्म बनती है ए वाला जो आपका या एक्स वाला जो भी आपका कोफिशियंट होता है दैट इज 35, एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज 25 एंड 12, 300। आपने क्या करना है, 300 के फैक्टर्स बना लेने हैं। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन चेक करने हैं कि सम मुझे 35 मिले, प्रोडक्ट आपका 300 ही आएगा क्योंकि आपने 300 के ही फैक्टर्स बनाए हैं। सम आपको 35 मिले उसके लिए 2 2s are 4 और 5 20 एंड 5 and 3 15। तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर ली, 35 को आई हैव रिटन एज 20 plus 15। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, 25 a square माइनस 20 a प्लस माइनस 15 a प्लस 12। अब दो दो टर्म्स लेके आपने क्या करना है, कॉमन ले लो जो भी आपका आ रहा है यहाँ से। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो वी विल बी हैविंग 5a minus 4। तो 5a minus 4 दोनों में यहाँ पे है, ये हमने अगेन कॉमन लिया तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 5a minus 3। तो अब ये मेरे पास एरिया आ गया, दिस वॉज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो एरिया जो है वो मैंने रीराइट कर लिया किस फॉर्म में, 5a minus 4 एंड 5a minus 3। 5a minus 4, 5a minus 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चाहे आप इसको लेंथ ले लो, चाहे आप इसको लेंथ ले लो, अगर 5a minus 4 को आपने लेंथ लिया है तो 5a minus 3 विल बी योर ब्रेथ, अगर 5a minus 3 को आप लेंथ ले रहे हो तो दिस विल बी द ब्रेथ। तो एरिया गिवन है, फैक्टर्स बनाने हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू नो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आ गई एक फैक्टर और एक फैक्टर आपका ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। इज दिस क्लियर नाउ अश्मित? यस मैम। ओके, नाउ द 16th क्वेश्चन, 3x square minus 12x। दो टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों में से आपका 3x आ रहा है। यस बेटे। मैम प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे को कैसे टर्म्स मिलेगी कि जिनका सम 300 आए? सम 300 नहीं चाहिए बच्चे, प्रोडक्ट तो 300 के क्योंकि आपने फैक्टर्स बनाए हैं ना, प्रोडक्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सम 35 चाहिए। उसके लिए आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 2s are 4 3s are, सपोज अगर मैंने 12 ले लिया साथ में ये 5 5s are 25, तो 12 और 25 क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो भी दो नंबर्स मैं लूंगी मैंने उनको प्लस करके देखना है। 12 और 25 जो है दैट इज 37, नॉट इक्वल टू 35। अगर मैं इसके साथ इसको भी ले लेती हूँ 2 2s are 4 3s are 12 5s are 60 and 5, दैट विल गिव मी 65, अगेन नॉट इक्वल टू 35। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 स्किप करके इस 5 के साथ इसको लिया, तो दिस इज 2 2s are 4 5s are 20 और ये 3 और 5 15, तो ये आपका 35 आ गया। दिस यू हैव टू चेक। इज दिस क्लियर दिया? ओके, अब यहाँ पे हमने 16th क्वेश्चन में 3x कॉमन लिया तो वी आर हैविंग 3x into x minus 4। अब क्योंकि मुझे ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड आपने किया हुआ है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि तीन चीजें जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी आपकी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर मैं फैक्टर्स चेक करूं, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द सेकंड फैक्टर एंड दिस इज द थर्ड फैक्टर। तो एक को आप एल ले लोगे, एक को बी ले लोगे और एक को एच ले लोगे, दैट इज अप टू यू कि किसको आप क्या लेना चाहते हो वो आप लेके चलोगे।
सेकेंड पार्ट इसका देखो, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे अब हम मुझे क्या गिवन है, 12 ky² + 8 ky - 20 k। तो यहाँ अब हमने क्या करना है, पहले जो आपका कॉमन निकल रहा है बीच में से, हर टर्म में आप चेक करो अगर 2 है और k है तो 2k जो है वो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। वी आर हैविंग दिस इज 16th पार्ट 2, 12 ky² + 8 ky - 20। अब इसमें से 2k मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या रह गया 6y² + 4y - 10। 4 आप कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 की जगह भी 4 आ जाएगा। दिस इज 3y² + 2y - 5। अब मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, 3 5 15 प्रोडक्ट चाहिए और सम कितना चाहिए यहाँ पे 2, तो 15 प्रोडक्ट और सम चाहिए 2। और एक चीज और आप यहाँ पे देखोगे कि प्रोडक्ट जो है वो आपका नेगेटिव है, +3 × -5। प्रोडक्ट नेगेटिव मींस डिफरेंस ऑफ द नंबर्स हमने लेना होता है। तो जब मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 3 और 5 दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, 5 और 3 का डिफरेंस इज 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 3y² + 5y - 3y - 5। अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इन दोनों में से y कॉमन आएगा तो दिस इज 3y + 5, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो 3y + 5। वन मोर मिनट आई विल टेक बच्चे, 3y + 5 आप कॉमन ले लो और यहाँ क्या आ गया आपका y - 1। 3 आ गई टर्म्स आपकी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। आप चाहो तो ये 4 को इन दोनों के में से भी किसी एक के साथ ले सकते हो, बट टेक केयर ऑफ दिस दैट दिस 4 इज टू बी टेकन वंस, चाहे आप k के साथ लो, चाहे 3y + 5 के साथ लो, चाहे y - 1 के साथ लो, दैट इज अप टू यू। तो यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म बना दिया 4k को, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम के साथ हम डील कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशंस विल बी देयर। सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पे गिवन थी। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज एज द टाइम इज ओवर यू कैन लीव द क्लास इफ नो डाउट इज देयर। दोज हु आर हैविंग द डाउट दे कैन अनम्यूट एंड आस्क द डाउट। होमवर्क पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, you are to complete this exercise whichever parts I have given।